ग्वालियर में सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह मतदान शुरू होने से पहले ही पोलिंग बूथों पर लाइन लगी है। ग्वालियर में दोपहर 1 बजे तक 28.55% मतदान हुआ। पोलिंग बूथों के बाहर इलेक्शन और पुलिस टीम की बैठने वाले एजेंटों से पार्टी का बैनर और झंडा हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। मंगलवार सुबह सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजवल कर अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। फिर दोबारा से करना पड़ेगा वोट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने ग्वालियर में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से घरों से निकलकर वोट डालने की अपील की। मतदान हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, लोकतांत्रिक कर्तव्य है, हमारा लोकतांत्रिक उत्सव है और इस उत्सव की भागीदारी बनने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। संविधान हमें अधिकार देता है कि अपने मत का उपयोग करें और गर्व करें, इसीलिए आपके माध्यम से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के नागरिकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि घर से निकलें, मतदान करें और प्रधानमंत्री जी का नारा है जलपान बाद में मतदान पहले। और इसलिए मेरा मानना है कि मतदान के अधिकार से ही कर्तव्य का जागरण होता है। ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने मतदान किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रवीण पाठक ने कहा कि निश्चित तौर पर ग्वालियर में परिवर्तन की लहर है और आपको यह लहर देश में देखने को मिलेगी। पिछले कई वर्षों से जो ग्वालियर का विकास रुका हुआ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।